अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 19 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो इफ़ को देखते हुए किया जाएगा। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर्स वन यूजिंग इफ स्टेटमेंट। यानी एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से आपने तीन नंबर लेने हैं एंड और उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है, उन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसे शो करवाना है इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। यानी एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से तीन नंबर लें और उसके बाद जो उसमें सबसे बड़ा नंबर है उसे क्या चीज़ें इफ स्टेटमेंट के ज़रिए क्या चीज़ें इसको शो करवाया जाए। इफ स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर किसी ने वो मेरा लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो वो आप पहले लास्ट लेक्चर सुन लें ताकि क्या चीज़ें आपको ईजिली ये टॉपिक समझ आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्राम में, अक्सर क्या चीज़ें ये प्रोग्राम पेपर्स में भी आता है। तो प्रोग्राम में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ें, हम हैश इंक्लूड शोजो डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और उसके बाद क्या चीज़ें मेन हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से हम क्या चीज़ें प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर यह सोचना है कि कितने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए जाएँ, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ें तीन यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम सबसे पहले तो क्या चीज़ें सिंपल यानी इंट ए बी और सी तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और मैक्स का वेरिएबल हम इसलिए डिक्लेयर करवाएंगे कि जो भी इन तीनों में बड़ी वैल्यूज़ होगी वो क्या चीज़ें हम मैक्स में डाल देंगे। अब क्या चीज़ें, हम प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र से तीन नंबर मांगते हैं, यानी प्रिंट एफ एंटर थ्री नंबर्स और सारे के सारे नंबर्स की चीज़ें इकट्ठे मांग लें। उसके बाद की चीज़ें हम स्कैनर में इकट्ठा ही मॉडुलस डी और मॉडुलस डी डबल कोटेशन क्लोज कोमा और एंड ऑपरेटर ए कोमा एंड ऑपरेटर बी कोमा एंड ऑपरेटर सी और समीकरण लगा के क्या चीज़ें ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। उसके बाद क्या चीज़ें, यानी तीनों वैल्यूज हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएंगी और फिर हम कंडीशन लगाएंगे। हम कहते हैं फ़र्ज करें जो पहला नंबर है यानी जो ए है वही सबसे बड़ा है। हम फर्ज करते हैं यानी जो पहला नंबर ए है वही सबसे बड़ा है, तो हम ए की वैल्यू को क्या चीज़ें मैक्स में डाल देंगे। यानी जो ए की वैल्यू होगी, जो ए सबसे पहली वैल्यू मिसाल के तौर पर वो चाहे छोटी हो लेकिन क्या चीज़ें हम यही फ़र्ज़ करते हैं कि जो ए है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए क्या चीज़ें ए की वैल्यू मैक्स में डाल दी। अब ए तो बड़ा हो गया लेकिन अब हम कंपैरिजन करेंगे बी और सी के साथ, तो वो कंडीशन की बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ बी ग्रेटर देन मैक्स, यानी अगर बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है। याद रखें मैक्स में वो वैल्यूज आई है जो ए की वैल्यू थी, तो इसलिए जो ए दूसरी तरफ से यही कहना चाह रहा है कि भी फ़र्ज़ करें जो बी है वो बड़ा है ए से, यानी जो बी बड़ा है मैक्स है, तो अगर तो कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ है यानी बी की वैल्यू को मैक्स में डाल दो। यानी पहले ए की वैल्यू को मैक्स में डाला था लेकिन अगर बी वाली कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ें अंदर आ जाएं और बी की वैल्यू जो है वो मैक्स में डाल दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी अगर बी की वैल्यू भी बड़ी नहीं है या फ़र्ज़ करो ये हम कंडीशन सही हो जाती है, उसके बाद क्या चीज़ें हम फिर दोबारा कंपेरिजन करेंगे इफ़ का सी के साथ। यानी अगर इफ़ सी बड़ा है मैक्स से, यानी पहले बी का कंडीशन देखी थी अब सेम उसी तरीके से हम सी का देखेंगे। यानी अगर सी बड़ा है मैक्स से तो सी की वैल्यू क्या चीज़ें हम मैक्स में डाल देंगे। अब देखें यहाँ तो ए की वैल्यू मैक्स में आई होगी या बी की वैल्यू मैक्स में आई होगी या सी की वैल्यू मैक्स में आई होगी, तो इनमें तीनों में जो भी वैल्यू मैक्स में आई होगी वो क्या चीज़ें वो मैक्स में रहेगी और उसी को क्या चीज़ें हम स्क्रीन पर शो करवा देंगे। यानी प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज़ मॉडुलस डी डबल क्वोटेशन क्लोज और वेरिएबल का नाम हम लिख कर क्या चीज़ें ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और इसको क्या चीज़ें हम अब जब के प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं, तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो हमारे पास सेम वही प्रोग्राम है। अब हम इसको सबसे पहले क्या चीज़ें कंपाइल करते हैं तो आपके सामने जो है वो देखो कोई गलती नहीं है। अब क्या चीज़ें जब हम इसको रन करते हैं तो वो आपसे वैल्यूज़ मांग रहे हैं, यानी जब हम पहली वैल्यू मिसाल के तौर पर लिखते हैं 10, सेकेंड वैल्यू जो है वो लिखते हैं 25 और जो थर्ड वैल्यू है वो लिख देते हैं 15। अब यहाँ से अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि भी जो सेकेंड वैल्यू है यानी जो बी की वैल्यू है वो क्या चीज़ है वो स्मॉल ग्रेटर है, तो जैसे ही हम एंटर का बटन दबाएंगे तो यानी द लार्जेस्ट नंबर इज़ 25, यानी जो बड़ी वैल्यू है वो 25 है, तो वो स्क्रीन पर आ जाएगी। इसी तरीके से क्या चीज़ें हम अगर दोबारा अगर हम लेते हैं मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू लेते हैं, तो यानी मिसाल के तौर पर फर्स्ट वैल्यू 5 है,
सेकंड वैल्यू जो है वो 3 है, और जो फोर्थ वैल्यू है वो हम लेते हैं जी 0। तो इसमें देखा जाए, यानी हम देखा जाए तो कौन सी कंडीशन है, यानी हमारे पास क्या चीज़ है, तो यानी ए की वैल्यू बड़ी होगी तो हम क्या चीज़ें जब स्क्रीन पे शो करवाएंगे तो कहेगा द लार्जेस्ट नंबर इज़ 5 इज़ 5। तो उम्मीद है इस तरीके से हम क्या चीज़ें प्रोग्राम बना सकते हैं कि भी यानी यूज़र से 3 वैल्यूज़ लें और उसको क्या चीज़ें इफ़ के ज़रिए क्या चीज़ें हम बताएँ कि भी यानी कौन सी वैल्यूज़ बड़ी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या मेरे चैनल पर कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।